नित्या राम जप राम अनिसूता राम संभार। जा जावे त्या राम जप राम सूता राम संभार। उठत बैठत आत्मा सालमता सितार। ईश्वरदास जी ना दुहा छे ईश्वरा सो परमेश्वरा के जने पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्मा ना साक्षात्कार करेला द्वारका जईने भगवान ना दर्शन करवा दिया। मारवाड़ी मांथी आवेला ईश्वरदास जी रचेलो एक हरिरस नामनो ग्रंथ पण छे। तो एकांत में बेसी खूब तन्मयता थी जे वाँचे एने एमां कांई झांखी थाय। पेघड़े पगने ब्रह्म उपदेश नथी थतो। ताले चढ़ी जाए ने गाड़ी ताले थी माणस क्यां जाए कांई कहेवाय नहीं। गाड़ी ताल में चढ़ी जाए तो खबर न पड़े क्यां ऊभी रहे। पर खूब भजन से छली स्थिति से। भजन एटले शुं? माणस संसार में अनेक प्रकार कावा दावा मांथी नीकळी अने ज्यारे त्राहीमाम थाय त्यारे ए माणस भजन तरफ वळे अने ई ज भजन असर करे। तन थी सुखी होय माणस, मन थी सुखी होय, धन थी सुखी होय अने जे भक्ति में भाव राखे एवा तो लाखों में कोक। पण तन थी दुखी होय, मन थी दुखी होय अने घर में कड़ेलाट होय, चार वाहणो फरतो होय, घर में हवारनु लावे हांजे खाए, हांजे एमना खाई गुजारे पछी वळी हवारे कमावा जाए तो खावानुं थाय। आने जे भगवान प्रत्ये भाव होय ए बीजो भाव होय अने आर्तनाद कहेवाय के ईश्वर सांभळे। आवो आर्तनाद लाग्या वगर ईश्वर कोई दिवस प्रसन्न थता नथी। एक महात्मानो प्रसंग छे। एक भक्त ने बहुत तालावेली लागी परमात्मा ने मळवानी, बहुत तालावेली लागी कि मारे ईश्वर ने मळवू छे, गमे ते थाय, गमे ते भोगे मारे परमात्मा ने पामवा छे। गंगा किनारे गयो, स्नान करे छे, त्यां एक स्वामीजी आव्या। स्वामीजी पण पूर्ण वैरागवाळा जेने मायाए कई असर करी नथी एवा। एना पगमां पड़ीने कीधुं बापू मारा पर दया करो, मने एक कांईक समजावो, मने मारे भगवान ने मळवू छे, केम मळाय? तो कि भाई तो अनेक जन्म ना पुण्य हो तो मेल खाए। तो कि ना मैंने कांईक समझाओ भगवान ने केम मळाय, शू करवाथी मळाय, मैंने जल्दी समझाओ। आज एवो वेराग उपड़ी गेलो कि जट मारे भगवान ने ज मळवू, बीजू मैंने कांई जोतुं नथी आ जगत मांथी, मैंने ईश्वर ने मळवू छे, परमात्मा ने मारे दर्शन करवा छे। ई केम थाय? स्वामीजी आम शरीर थी बराबर हता, मस्त, एटले कि तारे भगवान दर्शन करवा छे? कि हाँ बापू थाशे? तो कि हाँ। पकड़ो था माणस ने। स्वामी विवेकानंद जेवा हता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, पाटू मारे तो दीवाल पाड़ी नाखे एवा। एना पग पकड़्या हता माणस ने जेने दर्शन करवाता ने। पग पकड़ीने बोल्यो ऊंधे माथे आम गंगाजी में पगनी घूंटी रही त्यां सुधी मारी पर पाणी में जवा दीधो। पछी मळ्या बड़बड़िया बोलावे पाछो काढ्यो। ई पछी एमां शुं खामी होय दुखनी? वळी पाछो नाख्यो, जाग श्वास लीधो ने पासा बड़बड़िया वही बाहर काढ़ो। पीछे एम से मरी जाए पीछे काठा पर मूक्यो। थोड़ीक वार थी कहीं चेतन आयो, साध में आयो त्यारे कीधु बापू मैंने मारी नाखो? ना भाई मारी नाखाय तने, आ शू मारी हालत हालत करी तमे? आटलो वेलाक लागे ने आटली आ जीववा माटे तने केटली तकलीफ थाय छे जीववा माटे आटली ज तकलीफ नहीं अंतर मांथी तने थाय ईश्वर माटे तई माटे त्या होई आ ईश्वरदास जी मारवाड़ मांथी द्वारका ना दर्शन करवा गया कन्हैया ना ते टाइमे दरवाजा बंद था मंदिर ना बंद था। ईश्वरदास जी कहते हूँ क्या ठेठ आयो अने मारा माटे मूर्ति दर्शन हूँ अधिकारी नहीं आटली दया नहीं करो मारा पर दरवाजा बंद कर दीदा। त्यारे एमने भगवान की स्तुति गाय से ए हवे प्रभु उघाड़ो ने द्वार साधारण माणस ने त्या आपणे जाई के कोई अतिथि आवे तो एनो यथाशक्ति सत्कार करे छे कोई पण माणस गृहस्थाश्रमी माणस होय तो साधु आश्रम जाए तो सत्कार थाय छे संसारी ने तो थाय ने एम भगवान के तमे आ सत्कार करवा बदले बहाणा बंद कर दीधा आ हूं कहेवाय आवे पोताने आंगणे नो करो प्रेम विवेकी तमे तो विवेकी छो प्रेम विवेकी तमे विलंब करो छो प्रेम विवेकी વાલજીભાઈ જેવાને મળવા આપણે જાય મુંબઈમાં. વાલજીભાઈ જેવાને તો વાલજીભાઈ તો જો કે સંસ્કારી છે, નકર એમ થાય બાવ આવ્યો કંઈક માગવા આવ્યો છે. એટલે ઈશ્વરદાસજી કહે છે હું માગવા નથી આવ્યો, કાંઈ મારે જોતું નથી, મને તમારા દર્શનની જરૂર છે. मारे नथी काई मागू प्रभु मने दियो ने दीदार मारे नथी काई मागू प्रभु मने दियो ने दीदार दातार थईने પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે. મંદિરના દરવાજા ધડોધડ ખુલી જાય છે, આપોઆપ સાક્ષાત્કાર થાય છે. કે છે પરમાત્મા ઈશ્વરદાસજીને કે ઈશ્વરદાસજી માગો જે જોઈ માં ઈશ્વરદાસજી કહે છે માથે રાફડા થઈ જાય એને દર્શન થતા નથી અને આપે મને સાક્ષાત દર્શન આપ્યા આનાથી વિશેષ જોઈ છું એટલે કહે છે હવે પ્રભુ શું માં ભૂ કીર્તારજી શું માગું કીર્તાર કેમ તમે મને આપ્યું છે અપરમ પાર હવે પ્રભુ શું માગું भगवान बधाने विचार थाय हूँ आप तो मनुष्य देह आप एम पास कृपा करीने मने आ चारण कूल माट्यो छे अवतार बहुत मोटी बात है दयालु हाँ हवा में बधु आ जाए चारण कूल माप्यो छे अवतार याद करूं त्यारे आपावीने याद करूं त्यारे नाम आपनु ने मिथ्या से आ संसार नित्य रेवानु नाम आपनु ने मिथ्या से संसार हवे अनित्य वस्तुनी इच्छा करूं तो मनुष्य देह धरीने आ जग मां भाई करवा पर उपकार पर उपकार आम सागर ने करवा मटे आम सागर ने करवा सार हवे प्रभु बीजा ऊपर उपकार थायो हूँ मांगू के हे परमात्मा आज मैं हरिरस रचो छे एमां तमारे एक सही करी दो कि जे आनो नित्य पाठ करे ए गमे एवो पापी माणा होय तो एनी अधोगति न थाय। त्यारे परमात्मा प्रसन्न थई खूब राजी थया, खूब प्रसन्न थया कि तमे मांग्यु तो बीजा माटे मांग्यु, तमारा माटे नथी मांग्यु। एटले स्वमुखे कृष्ण परमात्माए कीधु कवि ईश्वर हरिरस कियो दुहा 360 महादुष्ट पामे मुक्ति जो कीजे नित्य पाठ। नित्य वाचे नित्य सांभळे एने जोवा न पड़े जम द्वार जी। नित्य वाचे नित्य वाचे नित्य नित सांभळे एने जोवा न पड़े जम द्वार जी। हरि भजाए पार उतरवाई हरि भजाई तो अज पार ईश्वरदास हवे प्रभु तुमा बिन उपकार। चकुरी वो वीरो चलो चकुआ वहाँ जाइए जहाँ रेन न पड़ती हो। सफर से आ सफर ना सौदा करवा माटे आपणे आव्या छी। भक्त कवि सत्तार साईं कहे छे कारण के आपणे अहीं कायमी नथी, एक दी आपणे बधाने जवानुं छे। पछी बाग होय, बगीचा होय, महलो होय, मोटरूं होय, बधुं होय, हेलिकॉप्टर घरना होय तोय मूकी जावुं पड़े। माटे सफर का सौदा तू कर ले मुसाफिर, असल वतन को जाना पड़ेगा। सफर का सौदा कर ले मुसाफिर, असल वतन को जाना पड़ेगा। जो पुण्य तुमने यहाँ किए हैं, होकर जाना पड़ेगा। महलवालिया और बगीचे सभी को छोड़ कर जाना पड़ेगा। करना होगा, कर ले करना होगा। जाकर वहाँ चल बसे हैं सब पीर पैगंबर देवी देवता। अरे यहाँ से जाकर वहाँ चल बसे हैं सब पीर पैगंबर को मुंह दिखलाना पड़ेगा। तेरा भी जाने का होगा होगा, तेरा भी जाने का होगा। का सोना कर ले सफर का सोना कर ले सफर का सोना तू कर ले मुसाफिर। कहे अब्दुल सत्तार मालिक का बंदा। अरे करो पूर्ण भक्ति का धंधा। कहे अब्दुल सत्तार मालिक का बंदा। करो पूर्ण भक्ति का धंधा। अरे करो कांच पूर्ण और भक्ति का धंधा। नहीं तो फिर वहाँ पड़ेगा फंदा। नहीं तो फिर वहाँ पड़ेगा। नहीं तो फिर वहाँ पड़ेगा फंदा। फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा।